गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हमने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नेम क्या था, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या किया था फर्स्ट वीडियो में। हमने ये देखा था साइंस के थ्री पार्ट हम डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रीड किया था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या एनवायरमेंट के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है स्पेस में, एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर, लाइक पेन, नोटबुक, ठीक है। मैटर की फिर हमारे पास फाइव मैटर जो फाइव बेसिक एलिमेंट से बना हुआ था, जिनको हमने क्या कहा था, पंच तत्व, लाइक एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वॉटर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने किया था कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया था। फर्स्ट हमारे पास क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकंड हमने बताया था केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, एंड ये इस जो लेसन में हम रीड करेंगे वो सिर्फ करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। तो फिजिकल नेचर मैटर का कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। हमने एक एक्टिविटी की थी और उससे प्रूफ किया था कि मैटर जो है हमारा पार्टिकल से बना हुआ है। सेकंड हमने ये किया था कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। फिर हमने एक और एक्टिविटी की थी, एंड उसमें हमने ये देखा था कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, कितने छोटे हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर हो सकते हैं। तो हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे साइज के हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल की हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, विशेषताएं होता है, ठीक है। कि फर्स्ट हमारे पास क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बिना एक्टिविटी के हम ये बात प्रूफ नहीं कर सकते कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। सेकंड हमारे पास क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हम ये किस एक्टिविटी से प्रूफ करें कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड हमें ये प्रूफ करना है कि मैटर के जो पार्टिकल है वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर रीड करते हैं एंड देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि कैसे पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ होता है, हमने एक्टिविटी 1.1 रीड की थी, उसमें हमने क्या किया था कि वाटर के अंदर हमने या तो शुगर को डिजोल्व किया था या सोल्ट को डिजोल्व किया था। सिमिलर हमने एक्टिविटी 1.2 की थी, एंड उसमें हमने क्या देखा था कि पोटाशियम डाइक्रोमेट का हमने सोल्यूशन बनाया था, एंड उससे हमने ये बताया था कि पार्टिकल का जो साइज है वो कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। कि सुगर, सोल्ट, डेटोल और पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ हमने ये डिस्कस किया था, गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉटर, कि वॉटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वॉटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट तभी होंगे ना जब उसके अंदर स्पेस होगा। सिमिलरली वी मेक ए टी, कॉफी और लेमन डी, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप के जो पार्टिकल है ऑफ द मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर, कि एक मैटर के पार्टिकल दूसरे वाले में एडजस्ट हो जाते हैं। क्यों एडजस्ट होते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। दिस सो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये क्या प्रूफ करता है कि मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में इनफ स्पेस है, कि वो उनके बीच में स्पेस है। तो यहां से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या थी, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो हमारा फर्स्ट मतलब कि इन एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है पार्टिकल। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल की, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि मैटर के जो पार्टिकल है वे कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कैसे, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, पुट एन अंटिल इंक्रीज टिक इन ए कॉर्नर ऑफ यूअर क्लास, ठीक है। हाउ क्लोज टू यू हैव टू गो टू नियर एंड एज टू इट स्मेल्स। हम बात करते हैं यहाँ पे या तो किसी अगरबत्ती की बात करते हैं, या फिर हम ये बात करते हैं कि हमारे किचन में खाना बनता है तो उसकी स्मेल हम तक आती, क्यों आती है। नाउ लाइट द इंटेंस स्टिक, व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल स्टीटिंग एट ए डिस्टेंस, रिकॉर्ड यूअर ऑब्जर्वेशन। तो हमें वहां पर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो स्मेल तो हमने स्टिक को हमने एक कॉर्नर में बंद किया, लेकिन स्मेल हमें दूर तक मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, मूव करते हैं तभी तो हमारे पास स्मेल रीच करती है। जैसे अगर हम किचन में खाना बनाते हैं तो स्मेल हम तक रीच करती है। क्यों रीच करती है, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, मूव करते हैं, कि पार्टिकल हम तक रीच होते हैं तभी हमें स्मेल मिलती है, ठीक है।
सेकंड हमारे पास एक्टिविटी क्या है कि हमें कोई गिलास लेना है या बिकर लेना है, उसमें हमें क्या करना है, तो हमें रेड इंक लेनी है या फिर ब्लू कलर की इंक लेनी है। उस इंक को हमें क्या करना है, उसमें बिकर में डाल देना है। तो डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में वो ड्रॉप है हमें वाटर के अंदर दिखाई देती है, लेकिन सम टाइम के बाद वो पूरे हमारे बिकर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि जो ड्रॉप के जो पार्टिकल है वो मूव किए हैं, तभी तो हमारी क्या है कि वो ड्रॉप पूरे बिकर में फैल जाती है। ठीक है, तो यहां से भी हमारा प्रूफ होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, मूव करते। अब रेड कलर की ड्रॉप हमने डाली, वो पार्टिकल से बनी हुई, वो पार्टिकल क्या करते हैं, वाटर में मूव करते हैं, तो वो क्या है पूरे हमारे बिकर को रेड या ब्लू बना देती है, जिस भी कलर की हम ड्रॉप डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी क्या है कि हमें ड्रॉप लेनी है किसकी, कॉपर सल्फेट की या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की, एंड उसको भी हमें किसी ग्लास या बिकर में डाल देना। तो सम टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर है उस बिकर को, वो पोटेशियम डाइक्रो पोटेशियम जो हमारे पास परमैगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, तो वो पूरे हमें बिकर का जो कलर है वो सेम कलर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, मूव करते हैं, कि वहां पर जो हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का जो हमने क्रिस्टल लिए हैं वो मूव करते हैं एंड पूरे बिकर में फैल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हमने प्रूफ किया एक्टिविटी से कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, दैट इज दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv². जैसे कि हमने ये कहा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, मूव करते हैं, उनका अपने पास उनका अपना मास होता है एंड अपनी वेलोसिटी होती है, तो ये हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सो वी कैन से दैट व्हाट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, कि वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इन द अबव थ्री एक्टिविटी में वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या, इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, एंड दे डू नॉट बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, और वो एक दूसरे के स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अगरबत्ती की हम बात करते हैं, किचन में फूड की बात करते हैं कि उसकी स्मेल हम तक रीच हो जाती है, तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल का इंटरमिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, जैसे ही हम हीटिंग और ज्यादा करते हैं तो हमारा डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। व्हाट दस, यह क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारा डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड पार्टिकल मूव फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट, थर्ड हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो ये हम बात करते हैं किसी सॉलिड या फिर वुडन के किसी ब्लॉक की, तो उसमें हम क्या देखते हैं, वो जो वुडन का जो ब्लॉक है वो भी हमारा पार्टिकल से बना हुआ है, एंड पार्टिकल से बना होने के कारण वो क्या है, उसके जो पार्टिकल है एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। लाइक हम लिक्विड की बात करते हैं, और गैसेज में अगर देखते हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो वहां पर भी पार्टिकल, लेकिन वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी वीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को बाइंड किए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड, मतलब एक दूसरे को पकड़े हुए, तो ऐसे ही क्या है, मैटर के जो पार्टिकल है वो भी एक दूसरे को बाइंड किए हुए होते हैं। एक्टिविटी 1.7 में हमारे पास क्या है, टेक एन आयरन नेल या फिर पीच ऑफ चौक या फिर रबर। ठीक है, टेकिंग ट्राई करते हैं हम इनको ब्रेक करने की। ठीक है, जो हमारे पास आयरन की नेल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वो हमसे ब्रेक नहीं होती, और ज्यादा हमारे हमसे क्या और ज्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी हमारी क्या होती है, वो ब्रेक होती है। लेकिन पीस ऑफ चौक क्या, इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन रबड़ बैंड में करते हैं तो हमारे पास इलास्टिसिटी आती है। ठीक है, चौक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एक्टिविटी 1.8 है। ठीक है, ओपन ए वाटर टैंक, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद यूअर फिंगर। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने टैब ऑन करते हैं तो हम उसे कट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहां पर पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है, इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, उसे कट कर पाते हैं। द अबव थ्री एक्टिविटी 1.7, 1.6 एंड 1.8 हमें क्या बताती है, सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स
एक्टिंग बिटवीन देम, भी पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या है, वहां पर फोर्स है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, वही फोर्स हमें क्या करता है उस उन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ पार्टिकल टू अनदर, एंड ये हमारी वेरी करती है, जैसे कि हमने बात की आयरन नेल की बात की या फिर किसी चौक की बात की, तो उसमें हमारा क्या है कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस। सो स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है कि किस किस स्टूडेंट ने वीडियो देख ली है, एंड नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन आंसर गिवन है वो भी आपको ट्राई करने हैं।